दोस्तों कैसे हाल हो? ठीक है, मैं हूँ जहांगीर, मेरे साथ जहाजेद हमजा और आलमगीर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रेट्स टू। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं आप सबको हमारे से प्यारा सलाम, और आप सबको हमारे से मुबारकबाद कि आप इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन पोजीशन पर आ चुके हैं, और बल्कि बरकरार रखी हुई बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। 8 पॉइंट्स का आपने जो है ना एक बहुत बड़ा गैप बनाया हुआ है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा होता है टेस्ट क्रिकेट में खासतौर पर, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा है कि वीडियो बनानी चाहिए, उसके लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। और उससे पहले एक बात कर लें कि आज के दिन, क्योंकि आप अभी देखेंगे तो आज के दिन हम आपके टाइम के मुताबिक रात 11:30 बजे लाइव आएंगे, और उसमें हम जो है ना आपके साथ न्यू ईयर नाइट जो है सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर हमारा टाइम शुरू होगा, तो उसके ऊपर भी हमने सेलिब्रेट करना है, क्योंकि आप हमारे से पहले आएंगे नए साल में 2019 में, तो फिर हम आपके पीछे पीछे हम भी दाखिल हो जाएंगे 2019 में। तो इसलिए हमने एक प्लान सोचा है कि चलो आप साथ मिलकर ही सेलिब्रेट करना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी बात ये जी कि जब हम वीडियो के ऊपर आते हैं, तो इस वीडियो में जो बात हम करने वाले हैं आपसे, वो यही है कि ज़बरदस्त किस्म की आपने कामयाबियाँ हासिल की हैं टेस्ट क्रिकेट में, बड़ी उम्दा किस्म की आपकी पोजीशन है टेस्ट क्रिकेट में, और नो डाउट टेस्ट क्रिकेट में, बल्कि आपकी वनडे में भी आपकी दूसरी पोजीशन है। इंग्लैंड पहले नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे T20 में जो है उसमें भी आप दूसरे नंबर पे हैं। तो इन सब में आपकी जो बात है, तो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट जा रही है इंडिया की, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, हर तरफ हर फॉर्मेट में लाजवाब परफॉर्मेंसेज हैं, और एक ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना कि उनकी वर्ल्ड कप के लिए तैयारी बड़ी लाजवाब है। और वर्ल्ड कप जो है बहुत ही करीब है, और तकरीबन कोई 3-4 महीने का 5 महीने का टाइम रह गया है, उसके बाद वर्ल्ड कप, और हम और आप एक साथ, ठीक है जी। तो सिर्फ हमारी टीम की, अगर हम अपनी टीम की बात करें, तो माशाल्लाह से हम टेस्ट क्रिकेट में 7वें नंबर पे हैं जी, ठीक है जी, और उसके बाद वनडे में हम 5वें नंबर पे हैं, T20 पे हम पहले नंबर पे हैं, 12 पॉइंट का फर्क इंडिया से। और अच्छा, इंडिया से ये बता रहे T20 में इंडिया से 12 पॉइंट गया, और अगर उधर से बात करें टेस्ट क्रिकेट में, तो हमारा और आपके जो है ना मार्जिन थोड़ा सा ही, इतना ज्यादा नहीं है, 24 पॉइंट का फर्क है सिर्फ। पता चलता है यार, 2-3 मैच रह गए ऑस्ट्रेलिया को, ले ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आ जाएगा, वो छठे पे हम 5वें पे हैं, क्या मिलेगा तुझे एक मार्च। अफ्रीका के भी वो आपको 2-3 पर, अभी तो हार गए, अच्छा अभी हम हार गए, ठीक है, होता रहता है हार, होता रहता है। और इंग्लैंड इधर से अगर देखें ना, इंडिया पर आ जाएंगे, तो वनडे में भी जो है ना हमारे पास और आपके जो है ना तकरीबन 19 पॉइंट का फर्क है। अच्छा, हम आगे 19 पॉइंट पीछे, क्या हो गया, इंडिया वाला टू है, हाँ जी, तो हम वाला नंबर 1 है, हाँ बिल्कुल। तो निचली साइड से आ रहा है ना ये पॉइंट, असल पॉइंटों का नहीं होता, पोजीशन होती है कुछ चल। तो बहरहाल ये पॉइंट्स के मामले में जो है ना बड़ी ज़बरदस्त आपके पास जो है ना जिसे कहते हैं ना बढ़त है, और हर जो है ना फॉर्मेट के अंदर बड़ी कमाल की टीम बेसिकली बन गई है इंडिया की ना, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, इतने उनके पास जिसे कहते हैं रिलायबल प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो हर फॉर्मेट के बड़े कमाल के। जैसे टेस्ट क्रिकेट की बात करें, तो टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने फास्ट बॉलिंग में इनके पास ईशांत शर्मा आते हैं, और बैटिंग में जो है ना टेस्ट क्रिकेट में इनके पास पुजारा आते हैं, ठीक है, और ये स्पेशलिस्ट हैं टेस्ट क्रिकेट के, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वनडे में बात करें, वनडे के अंदर जो है ना इनके पास वो आ जाते हैं, क्या नाम है आपके पास, पांड्या हो गए, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, शेखर धवन, ठीक है, रोहित शर्मा तो है ही है, ठीक है, और T20 में भी हैं, धोनी भी आ जाते हैं, विराट तो भाई हर फॉर्मेट के प्लेयर हैं, रोहित शर्मा हर फॉर्मेट के प्लेयर हैं, ठीक है, और अजिंक्य रहाणे जो है वो भी मेरे ख्याल में, मैं अगर देखूँ तो वो टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा बुमराह चैंपियन, बुमराह हर फॉर्मेट के प्लेयर, बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 है वनडे में, ठीक है, जडेजा भी है, और जडेजा वो भी तकरीबन हर फॉर्मेट ही खेलते हैं, लेकिन आजकल वो जो है ना टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा रहते हैं, हाँ। और अश्विन जो है वो भी सर टेस्ट क्रिकेट प्लेयर बन गए हैं, ठीक है, उनकी वनडे में जगह T20 में जगह खत्म हो गई है,
ये मेरी असेसमेंट है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि वन डे में और T20 में के चाहल और जो आपके पास जो है ना वो क्या नाम है और कुलदीप यादव, ठीक है, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो ना ODI और T20 के लिए जबरदस्त स्पेशलिस्ट हैं। तो स्पेशलिस्ट की जो ना भरमार लगी हुई है, ठीक बिल्कुल, है, और भी एक हर फॉर्मेट के लिए, तो ये बड़ी जबरदस्त है, ठीक है जी। और वो जो दो बड़े खतरनाक किस्म के एक स्पिन बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं यार, जो अजीब सी वो उनका आर्म ऐसे आता है नीचे से, ठीक है, ऐसे वाला ऐसे नहीं, स्पिन बॉलिंग यार, केदार यादव है मेरे ख्याल में, ये हम आलम को लेके आ रहे हैं अपनी टीम में, बुमराह यादव तो केदार यादव टीम में बन गया आलम, ठीक है, वो बड़ी खतरनाक बॉलर हैं जिन्होंने जो ना शुएब मलिक को आउट किया था, ठीक है, वो सारे हल्का सा ले रहे थे यार, ये तो हल्का सा बोला है, उसको भी आउट मिल गया, शुएब मलिक को नहीं, बाबर आजम, ठीक है, वर्ल्ड उसे ICC चैंपियन ट्रॉफी में, तो वो भी बड़े खतरनाक किस्म के बैट्समैन भी बड़े अच्छे हैं, ज़बरदस्त किस्म के हिटर हैं, तो आप काफ़ी जो है ना ज़बरदस्त किस्म के परफॉर्मेंसेज हैं इंडिया की हर फॉर्मेट में, अच्छा, और रैंकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि स्पेंड किया है, ठीक है, पूरी अपने जो है ना क्रिकेट के ऊपर पैसा लगाया, ठीक है, और लड़कों के ऊपर उन्होंने जान मारी है, उनको एक प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होती है जो हर खिलाड़ी में नज़र आती है, ठीक है, और तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। तो बहरहाल यही हमने कहा कि आपको बधाई देनी चाहिए चैंपियन रैंकिंग के अंदर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी ज़बरदस्त किस्म की रैंकिंग्स आपकी चल रही हैं T20 वन डे ODI सब में, तो इसलिए हमने एक वीडियो बनाई है, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जाने से पहले आपसे कहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कीप वॉचिंग पाकिस्तान।